हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, मैं निकिता चौहान आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके रहती हूँ फंडामेंटल राइट्स की सीरीज पे। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में, आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट से क्लैश खाते हो, इनकॉन्स्टेंट हो, जिनसे मेल ना खाते हो, उन्हें हम हटा देंगे, उन्हें हम वॉइड कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करते हैं, इसलिए। तो जो सारे लॉ फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करते हैं उन्हें हम हटाने की हमारे पास पावर है, ऐसा आर्टिकल 13 कहता है। अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट है और कोई ऐसा भी लॉ है जो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है ना। तो हमारे पास ये राइट है कि हम जो लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ क्लैश खा रहा है उसे हम हटा सकते हैं, ये बताता है आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लॉज ये कहता है जो कोई भी लॉ प्री कमेंसमेंट के जो लॉज हैं वो क्लैश खा रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट से, तो हम उन्हें एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स करके एक डॉक्ट्रिन है उसके अंदर लाएंगे। अब एक्लिप्स क्या होता है? एक्लिप्स मतलब ग्रहण। अब ग्रहण समझाएं हम आपको। इमेजिन करो कि ये है अर्थ, ठीक है, वेट आई हैव टू कम क्लोजर, ये है अर्थ, ठीक। अब अर्थ के आसपास कौन रोटेट करता है? मून, ठीक है, मून ऐसे रोटेट करेगा, इधर आ गया मून, ठीक है, इधर आ गया मून। अब डे टाइम है, इधर आ गया सन। अब ये तीनों के तीनों ऐसे हो गए तो क्या हो गया? एक्लिप्स हो गया। जो सन है ना, दिन में सन को ओवर मतलब सन के सामने आ गया मून और इस वजह से अर्थ पे नहीं आ रही रेस सन की, तो ये क्या हो गया? एक्लिप्स हो गया, जिसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, रिसेंटली अभी हुआ भी था। तो ऐसा होता है एक्लिप्स, ठीक। एक्लिप्स क्या होता है? मतलब जो पीछे की जो चीज़ है ना उसका आगे रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, ढक गया पूरा। तो ये जो था ना सन, ये हमारा पीछे का लॉ था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और ये जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट, और ये है हमारी, ये है हम, ठीक है। तो ये जो हमारा पीछे का लॉ था ना उसे ढक दिया हमारे मून ने, जो कि है फंडामेंटल राइट, और हमारे पास आ रही है खाली फंडामेंटल राइट की रेस। नहीं समझ आया? समझाते हैं। देखो जो पिछला वाला, जो पहले का लॉ था ना, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इनैक्ट हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले का जो लॉ था ना वो ढक गया, किससे? फंडामेंटल राइट से। तो उसे कैंसिल नहीं किया, उसे बस वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ये कह दिया है जब तक ये फंडामेंटल राइट और इस लॉ का जो क्लैश है वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इसे वॉइड रखो, डोरमेंट रखो, जब ये क्लैश सॉल्व हो जाएगा तब हम इस लॉ को वापस बुला लेंगे। ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से केस में? ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस 1955 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट से क्लैश खा रहा है और वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब हमें तब पता नहीं था कि हमारे पास ये सारे फंडामेंटल राइट्स आएंगे, तब हमारे पास वो लॉ था और वो लॉ इम्पॉर्टेंट है, तो उसे हम डोरमेंट रखेंगे, हम उसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे पर रख रहे हैं अभी, ठीक है। ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस 1955 में, ठीक है। अब एक और इसी बात पे कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को क्या करना चाहिए, उसी पे आया था दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1959 में। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो एक्लिप्स का है ना, जो ग्रहण वाला लॉ है ना, डॉक्ट्रिन है ना, ये खाली उन लॉस पे लगेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने से पहले बने थे, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले जो सारे लॉ बने थे जो हमारे फंडामेंटल राइट से क्लैश खा रहे हैं, ये डॉक्ट्रिन उन्हीं पे लगेगा। उसके बाद जो लॉ बने उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, उसे डोरमेंट भी नहीं रखेंगे, उसे हटा ही देंगे। ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1959 में, ठीक है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट को चेंज कर दिया। कब किया? ये चेंज किया उन्होंने अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस में 1974 में। ठीक, इस केस में उन्होंने ये कहा कि ये जो लॉज है ना, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का डॉक्ट्रिन है ना, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले के सारे लॉज और उसके बाद के सारे लॉज दोनों पे अप्लीकेबल है। ठीक है, भले ही वो हमारे एक या दो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करते हैं, बट हम इन लॉज को रखेंगे, हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि इन लॉज को एप्लीकेशन में ला रहे, एप्लीकेशन में नहीं ला रहे, इन लॉज को रख रहे हैं। ठीक है, संभाल के रख रहे हैं, इन्हें टोटली अवॉइड नहीं कर रहे, रख रहे हैं। सिटीजन के लिए यूजफुल नहीं होंगे, फॉरेनर्स के लिए हो जाएंगे जी? सारे फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए तो नहीं होते ना, कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन के और फॉरेनर्स दोनों के लिए होते हैं, कुछ खाली सिटीजन के लिए होते हैं। तो ये जो लॉज हैं ये फॉरेनर्स पे तो अप्लाई हो सकते हैं ना, ऐसा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सो कह रहे हैं इन लॉज को रखो, डॉर्मेंट रखो, आप यूज मत करो। ठीक है, आप उन लॉज को रखो। ये वो ये कह रहे हैं कि जब ये फंडामेंटल राइट और इन लॉ के बीच का जो क्लैश है वो ख़त्म हो जाए, तब आप यूज़ कर लेना इन लॉ को, है ना। लॉ तो काम क्या है ना, बस यही है कि फंडामेंटल राइट से क्लैश खा रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि इन लॉज को रखो। ठीक, अब ये था 13 क्लॉज 1। ठीक, अब बात करते हैं 13 क्लॉज 2 की। अब पहले जो 13 क्लॉज 1 में जो लॉज बनाए ना, वो स्पेसिफाई नहीं किए कि किसने बनाया, स्टेट नहीं लिखा था उसमें, मतलब किसी बॉडी ने बनाए हो वो लॉ। ठीक, अब 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। इधर स्टेट वर्ड यूज़ किया है, याद रखना स्टेट का मीनिंग क्या होता है। तो स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक अवे और एम्ब्रेजेस, एम्ब्रेजेस मतलब ले लेना। ठीक है, एनी टेक अवे और एम्ब्रेजेस वन और मोर देन वन फंडामेंटल राइट, एंड इफ द लॉ वॉज पास देन द लॉ शैल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। ठीक है, क्या बोला कि जो स्टेट है वो ऐसा कोई भी लॉ ना बनाए जो हमारे एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स को ले जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई लॉ बनाते भी हैं तो उस लॉ को हम वॉइड कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, ये तो समझ में आ गया। बट हमारे संविधान, हमारे जो पार्लियामेंट वाले हैं ना, लॉ मेकर्स जो हैं, उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में पता क्या किया, उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 3 चीज़ें एडअप की। ठीक है, 3 चीज़ें कौन सी कौन सी? एक तो 15 क्लॉज 4 जो बात करता है सोशली और बैकवर्ड क्लासेस को उनके लिए वेलफेयर, उनके वेलफेयर के लिए प्रोविजंस बनाने के लिए वो। ठीक, 15 आर्टिकल 15 क्या कहता है, अभी आपने पढ़ा नहीं है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। आर्टिकल 15 कहता है कि सबको इक्वल रखो। ठीक है, आर्टिकल 15 कहता है किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सॉरी इक्वल तो 14 में था, 15 ये कहता है किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और 15 क्लॉज ये कहता है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए आप वेलफेयर के लिए कुछ कर सकते हो, स्टेट को ये पावर है कि उनके वेलफेयर के लिए कुछ करें। ठीक, रिजर्वेशन इसमें नहीं आता, रिजर्वेशन आता है 16 क्लॉज 4 में। इसके अंदर ये कहा है कि स्टेट को उनके लिए कोई कुछ वेलफेयर, उनके वेलफेयर के लिए कुछ कर सकता है स्टेट, ये पावर उस स्टेट को आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में दी है। और ये 15 क्लॉज 4 कब एडअप हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। ठीक, तो ये जो 15 क्लॉज 4 है ना, वो डायरेक्टली अपना जो 15 है ना उससे, उसके अगेंस्ट आ रहा है। 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और 15 क्लॉज 4 कहता है सोशली और बैकवर्ड लोगों के लिए, सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए आप वेलफेयर के काम करो। तो ये डायरेक्टली 15 का ही वॉयलेशन है। ठीक, तो आर्टिकल 15 जो फंडामेंटल राइट है उसका वॉयलेशन कर रहा है 15 क्लॉज 4। ठीक, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा एक केस था उसके अंदर बताया गया है। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 6, आर्टिकल 19 क्लॉज 6 क्या कहता है? राइट टू वोकेशन, अपना जॉब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, पर उसके अंदर भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको वो डिग्री चाहिए, तो ये इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो इसमें भी रिस्ट्रिक्शन आ गया।
वोकेशन की छूट है, हमें हमें छूट है कि हमें कौन क्या जॉब करनी है, वोकेशन मतलब क्या काम करना है, मुझे दुकान खोलनी है या मुझे मेडिकल खोलना है। अगर मुझे मेडिकल खोलना है तो मेडिकल का सर्टिफिकेट चाहिए, ये इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक। और दूसरी, हम काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम अपना जॉब नहीं कर सकते, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, ठीक, उधर जाके मैं अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वो एरिया एसटी और एससी लोगों के लिए रिजर्व है, मतलब कुछ ट्राइब्स हैं उधर की, उनके लिए रिजर्व है, तो वहाँ जाके मैं अपना प्रोफेशन नहीं कर सकती, मना है। तो इस पर रिस्ट्रिक्शन आ गई, मेरे राइट टू वोकेशन पे गवर्नमेंट खुद ही नहीं करने दे रही है, रिस्ट्रिक्शन है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बना है। कब बना? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। अब थर्डली और दूसरा आया नाइन्थ शेड्यूल। पार्लियामेंट ने कहा हम नाइन्थ शेड्यूल में जो कुछ भी डाल दें वो जुडिशियल रिव्यू, उसे जुडिशियल रिव्यू की जरूरत नहीं है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? उसे उस चीज़ को ना सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, ये होता है जुडिशियल रिव्यू। इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, मैंने शॉर्ट में बताया जुडिशियल रिव्यू, एक पूरा चैप्टर है लक्ष्मीकांत में जुडिशियल रिव्यू का, पूरा चैप्टर तो नहीं बता सकते ना शॉर्ट में, तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। जुडिशियल रिव्यू मतलब जज से पूछना ही नहीं है, अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं करना मतलब जज से पूछना ही नहीं है, जज उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये तो तीन चीज़ें आई, एक तो 15 क्लॉज 4 आया जो डायरेक्टली आर्टिकल 15 का वायोलेशन कर रहा है, दूसरा 19 क्लॉज 6 आया जो कि है राइट टू वोकेशन, वो हमारे राइट टू वोकेशन पे ही परेशान कर रहा हमें। फिर है शेड्यूल 9 जिसपे खुद पार्लियामेंट ने ये कहा है कि उस पर जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई भी लॉ आप डाल दो तो उसमें जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत है नहीं, ठीक। ऐसा ये तीन चीज़ें आई फर्स्ट सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, ठीक। अब इस बात को चैलेंज किया गया संकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, तो उसके अंदर संकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 में, ठीक है, इस चीज़ को चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, लॉ बनाने की पावर है। अब उसके पास दो टाइप के वो लॉ बना सकती है, पहला ऑर्डिनरी लॉ, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक, पहला ऑर्डिनरी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो जो ऑर्डिनरी बिल पास करके जो लॉ बनता है ना वो तो होता है लॉ। इसके अंदर जो लॉ वर्ड यूज़ हुआ ना आर्टिकल 13 में क्या है, 13 क्लॉज 2 क्या है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक अवे और एम्ब्रेजेस वन और मोर फंडामेंटल राइट एंड इफ इट इज देन इट शुड बी वॉइड। तो इधर जो वर्ड लॉ यूज़ हुआ है ना, इस लॉ का मतलब होता है ऑर्डिनरी बिल से पास किया गया लॉ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इस लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता। वापस रिपीट करती हूँ, इधर जो लॉ की डेफिनेशन है ना आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर जो लॉ है ना, आर्टिकल 13 में ही सिंपली जो लॉ वर्ड यूज़ किया गया ना उसका मतलब ये है कि एक ऑर्डिनरी बिल से पास होके जो लॉ बना वो है लॉ, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लॉ मान बैठो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एक अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लॉ नहीं है, ठीक है। और ऑर्डिनरी बिल से जो पास होता है वो होता है लॉ, और इसके अंदर जो लिखा है ना कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करे, है ना, तो वो इस लॉ के बारे में बात करी है जो ऑर्डिनरी बिल के लॉ है उसके बारे में। ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने संकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि 9th शेड्यूल में आप कुछ भी डाल दो, जुडिशियल रिव्यू की आपकी ज़रूरत नहीं है, ये पार्लियामेंट ने कहा ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती केस जो कि हुआ था 1973 में, ये कहा उन्होंने कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर नेचर बताता है स्टेट का, मतलब इंडिया का नेचर क्या है ये बताता है बेसिक स्ट्रक्चर। ये केशवानंद भारती केस में से इवॉल्व हुआ ये कॉन्सेप्ट, और जुडिशरी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास ये राइट है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर में आगे जाके बताते रहेंगे क्या क्या एडअप होना है। रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दे के बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, ठीक है।
केशानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू का हमारा राइट है, और एक डेमोक्रेसी जहाँ सेपरेशन ऑफ पावर वर्क होती है, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब लॉ मेकिंग, लेजिस्लेचर अलग होगी, एग्जीक्यूटिव अलग होगी, जुडिशरी अलग होगी, लॉ अलग ब्रांच बनाएगी, उसे अप्लाई अलग ब्रांच करेगी, और जो न्याय होगा वो अलग ब्रांच करेगी, जज अलग होंगे, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अलग करती है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक, ये है इंडिया में। और दूसरी है, इंडिया है एक डेमोक्रेसी, तो इधर राइट है जजेस को कि वो जुडिशियल रिव्यू करें, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में। ये 19 शेड्यूल था ना, 9th शेड्यूल जो था ना, उसके अंदर से जो जुडिशियल रिव्यू नहीं थी ना, वो वापस जज ने कहा कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, तो आपको जुडिशियल रिव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था, एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 3 ये कहता है कि ये जो वर्ड लॉ है उसकी डेफिनेशन क्या है, ऑर्डिनरी बिल से पास होता है, बाय बाय लॉ वगैरह वगैरह, मैंने ऊपर लिख दिया है, वो आप देख लेना, ठीक है, वो होता है लॉ की डेफिनेशन। और दूसरी आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ये कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 369, ठीक, सॉरी 368, अच्छा पार्लियामेंट को ये पावर है आर्टिकल 368 से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी की भी आर्टिकल को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। तो ये कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल मतलब ये जो वर्ड लॉ है ये अमेंडमेंट एक्ट से नहीं मैच खाता, मतलब लॉ इसके अंदर जो बात एक्ट लॉ की बात हो रही है ना, वो लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ से पास हुआ, अमेंडमेंट से नहीं। तो आपको अगर अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन तो आप कर सकते हो आर्टिकल 368 से। सो ये था आर्टिकल 13 के बारे में, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खाता उसे कैंसिल कर दो। इसका पार्ट 13 क्लॉज 1 कहता है, 13 क्लॉज 1 कहता है कि ऐसा कोई भी लॉ जो पहले था या अब बनेगा, इसमें स्टेट की बात नहीं किया, 13 क्लॉज 1 में उसे वॉइड कर दो। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ ना बनाए, ठीक। और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कहता है कि लॉ की क्या डेफिनेशन है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहता है कि आप अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, खूब करो, आर्टिकल 368 से आपके पास राइट है, ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट होगा ये लॉ के अंडर नहीं आएगा। सो अगर ऐसा होता कि अगर लॉ के अंदर आता तो राइट ये जो राइट टू प्रॉपर्टी का राइट है वो हम हटा ही नहीं पाते ना, क्योंकि वो तो फंडामेंटल राइट है, वो तो कोई हटा नहीं सकता। पर ऐसा होता ना, अगर हटा नहीं सकते थे तो, पर उसे हटाया। तो इसके अंदर जो बात हो रही है ना लॉ वर्ड की, वो एक ऑर्डिनरी लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ठीक। सो ये था आर्टिकल 13। अब कल से बात करेंगे हम आर्टिकल 14, 15, जो एक्चुअल जो फंडामेंटल राइट है ना, वो कल से चालू होंगे, अभी तो बस इंट्रो था। 12, 13 क्या ये कुछ ही नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।